सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद कई ऐसे उनके दोस्त हैं जो लगातार अभी भी बहुत ज्यादा आहत हैं और उस गम से निकल नहीं पा रहे। शहनाज गिल के बारे में आप जानते ही हैं, लेकिन आसिम रियाज जिस तरीके से लगातार तस्वीरें शेयर कर रहे थे, उनकी एक वो तस्वीर जब वो और सिद्धार्थ बिग बॉस के घर से एग्जिट हो रहे हैं, एडिटेड तस्वीर है और उस गेट के बाहर जो है हेवन है और सिद्धार्थ और वो जा रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने ये जो तस्वीर शेयर की थी, इस तस्वीर ने बहुत सारे लोगों को जो है भावुक कर दिया था। ये तस्वीर देखने के बाद जो है अब कश्मीरा शाह बिग बॉस 13 में वो घर के अंदर गई थी, आपको याद होगा, आरती सिंह को सपोर्ट करने के लिए, और उन्होंने अंदर जाकर आरती से ये भी कहा था कि तुम सिद्धार्थ से शादी करना चाहती हो, मैं मैरिज प्रपोजल पर बात करूं, जिस पर आरती ने साफ साफ कहा था कि नहीं, सिद्धार्थ सिर्फ मेरा दोस्त है। अब जो है उन्होंने इस तस्वीर को शेयर किया और लिखा, नो वर्ड्स नीडेड, जस्ट सच अ सिंकिंग फीलिंग, यू विल बी मिस्ड बाय एवरीवन, सिद्धार्थ, बी स्ट्रॉन्ग शहनाज गिल, बी स्ट्रॉन्ग आसिम रियाज। हालांकि कश्मीरा ने जब ये पोस्ट शेयर किया उसके बाद कमेंट बॉक्स बंद कर दिया था, लेकिन एक बात तो साफ है कि सिद्धार्थ के चले जाने के बाद जो उनके कुछ दोस्तों की हालत हुई है, चाहे वो शहनाज हो या जिस तरीके से आसिम को लेकर बार बार खबर आ रही है, उसको सुनकर कश्मीरा भी काफी आहत है। हिमांशी ने बताया था कि कैसे लगातार आसिम रियाज जो है अपने और सिद्धार्थ के वीडियोज ही लगातार देख रहा है, वो कांपने लग गया था क्योंकि उसी दिन सुबह सुबह उसने जो है सिद्धार्थ को अपने सपने में देखा और सिद्धार्थ ने उसे गले लगाया था। आसिम उन लोगों में से हैं जो सबसे पहले कूपर हॉस्पिटल भी पहुंचे थे। तो अब कश्मीरा ने इस पोस्ट को शेयर किया और आसिम और शहनाज को स्ट्रॉन्ग रहे इस बात की दुआएं की।